आलम इस्लाम में से आलम अरब उनके शिकंजे में जा चुका। क्यों बनाकर खड़े हुए हैं इसराइल को मानने के लिए और सरे तस्लीम खम करने के लिए? बहरहाल नोट कर लीजिए, आलम अरब जा चुका है। कोई दिन की बात है, मैं सनसनी पैदा नहीं करना चाहता, लेकिन हालात और वाकया से निगाहें बंद करना भी कोई दानिशमंदी की बात नहीं है। यह अयोध्या की मस्जिद शहीद की गई, अभी यह एक बहुत बड़ा मजार जो है शहीद किया गया, और उसके साथ कई मस्जिदें शहीद की गई। ये सब क्या है? ये मुसलमानों की नफ्स देखी जा रही है कि कोई गैरत और हमीयत नाम की कोई शय बाकी है? जैसे अल्लामा इकबाल ने वो नज़म लिखी थी अब्दुल कादिर रोहिला, रोहिला बड़ा जालिम जफाजू कीना परवर था, लेकिन ये कि उसने जो एक टेस्ट लिया था कि वो जो औरतें हैं तैमूरी खानदान की, उनमें कोई रमक रह गई है, मालूम हुआ कि नहीं, कि गैरत नाम था जिसका, गई तैमूर के घर से, खत्म, गैरत निकल गई। इसी तरह अयोध्या की मस्जिद, अब चरार शरीफ, और ये कोई दिन की बात है कि अब मस्जिद अक्सा का नंबर आया के आया। उसके लिए पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, यरूशलेम का मशरकी हिस्सा खाली कराया जा चुका है, उसके अंदर अब पूरा तसल्लुत यहूदी कर रहे हैं, यहां तक कि आपके यासिर अरफात साहब ने भी कुछ ना कुछ जो है एहतजाज की बात की है, हालांकि अब तक हर बात मानकर मिनकार देरे पर था, लेकिन ये कि एक वक्त आता है आखिरकार उसे भी कुछ बोलना पड़ गया है। लेकिन यहूदी अब पीछे कदम हटाने वाला नहीं है, उनका थर्ड टेंपल तीसरी मर्तबा है कले सुलेमानी तामीर होना है, नोट कर लीजिए, उनके लिए वो वही कुछ है जो हमारे लिए काबा है, उनके लिए है कले सुलेमानी बिल्कुल वही हैसियत रखता है जो हमारे लिए काबा। वो है कले सुलेमानी एक मर्तबा पहले नबूकदनेस्सर के हाथों मिसमार हुआ, फिर सन 70 ईस्वी में टाइटस के हाथों मिसमार हुआ, सन 70 के बाद आज 1995 में कितने बरस हो गए, पूरे 1925 बरस हो गए कि उनका काबा जमीन बोझ पड़ा हुआ है। अब तक तो उनका बस नहीं था, अब तो बस है कि नहीं, अब उनकी हुकूमत है कि नहीं, अब शाह हसन हो चाहे शाह हुसैन, उनके नौकर और चाकर हैं या नहीं, अब उन्हें डर किसका है? लिहाजा कोई दिन की बात है, मस्जिद अक्सा शहीद होगी और टेंपल की ताबीर शुरू होगी। ये तो बहरहाल एक नक्शा है। अगला नक्शा आपको बताना चाहता हूं, एक दूसरी तस्वीर है, यह तस्वीर है जमीनी, एक तस्वीर है आसमानी। वह मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, उन्होंने अपनी सी तदबीरें की, अल्लाह ने अपनी तदबीर की, और जाहिर बात है अल्लाह की तदबीर से बेहतर तदबीर किसकी होगी। चुनाचे यहूदियों की साजिशें उस वक्त भी नाकाम हुई थी या नहीं, जाहिर बात है जहाल हक वज़ाहकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका। लिहाजा ये आयतें दोनों ऐलान कर रही हैं कि यहूदियों की साजिशें बिल आखिर नाकाम होंगी और दीन हक का बोल बाला हो कर रहेगा, ये तो इन आयतों से जाहिर है। يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم وجواب الله الا يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون। अल्लाह ने तो भेजा ही है अपने रसूल को इस फैसले के साथ और ये जिम्मेदारी और मिशन देकर कि जो दीन हक आपको देकर भेजा जा रहा है उसे गालिब कीजिए, नाफिस कीजिए, कायम कीजिए, इस मिशन के साथ भेजा जा रहा है। कुरान कहता है बबांगे दोहल, वमा अरसलनाका इल्ला काफ्फतन लिन्नास बशीरन व नज़ीरा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने नहीं भेजा है आपको मगर पूरी नौ इंसानी के लिए बशीर और नजीर बनाकर। तो जान लीजिए कि यह मकसद बेसत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतमाम कमाल उस वक्त पूरा होगा जब कुल आलम इंसानियत पर, कुल रूए अर्जी पर अल्लाह का दीन उसी तरह गालिब हो जाएगा जिस तरह के मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीन माहू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन, उनके हाथों से, उनके ईसार से, उनकी कुर्बानियों से, जिनका नक्शा आपके सामने मौलाना खींच चुके हैं, उनके एहसान, उनकी कुर्बानियां, उनकी मेहनत, उनकी जफाकशी, उनकी सरफरोशी, उनके जान तन मन धन लगा देने के नतीजे में जैसे उस वक्त गालिब हुआ था, कुल रूए अर्जी पर गालिब होगा, तब कहीं जाकर मकसद बेसत मोहम्मदी मुकम्मल होगा। यही वजह है इकबाल ने कहा था
वक्त फुर्सत है कहां, काम अभी बाकी है। नूर तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। लेकिन साथ ही खुशखबरी भी दी थी, ये चमन मामूर होगा नगमे तौहीद से, आएगा वो दौर, ये चमन मामूर होगा नगमे तौहीद से, लाजमन आकर रहेगा।